हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है मैं गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी दो तीन दिनों से परेशान कर रखी है कि पूछो मत। उस बंदे की वजह से मैं इतना परेशान हो रखा हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आज के दिन भी कल शाम में उसकी वजह से, उसके टेंशन की वजह से मेरे फादर इन लॉ को मेजर हार्ट अटैक आ गया। कल शाम की बात है, जब ये इन लोगों ने पुलिस से तय करा तो उनको जैसे पता चला तुरंत एडमिट करवाया नियर बाय हॉस्पिटल में, तो जो बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल थी। जैसे ही क्रिटिकल सिचुएशन था, उसके एक तो हॉस्पिटल, उसके पीछे से पुलिस वालों का बार बार फ़ोन आ रहा था, कहाँ हो, क्या हो, कब आ रहे हो। मतलब उस, चलो कल वाला दिन तो कैसे भी निकल गया, पुलिस वाले का फ़ोन ऐसे भी समझा के, आज की बात बता रहा हूँ, आज सुबह से 5 से 6 कॉल आ गया है। अभी शाम में पुलिस वालों ने फ़ोन करके पूछा है मुझसे, तुम आओगे नहीं आओगे। मैंने बोला सर उन लोगों की वजह से मेरे फादर इन लॉ को, क्योंकि वो भी वहीं पर खड़े थे, तो थोड़ा सा बात बहस हुई, कुछ हुई, इसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन होने की वजह से मेजर, पहले भी हार्ट अटैक हो रखा था तो मेजर हार्ट अटैक हो गया, जिससे उनका जो हार्ट बीट है ना चलना एकदम रुक गया था। मतलब जो हार्ट बीट है 30 पे आ गया था, 30, कभी 0 भी जाता था, 30 भी जाता था। तो हम लोगों ने जब शाम में एडमिट करवाया था तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था। चलो एनी हाउ टचवुड, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस सिचुएशन से वो निकल चुके हैं, पेस मेकर डलना है उनको, तो कल ऑपरेशन होगा। अभी तो पेस मेकर डलेगा, कल ऑपरेशन, अभी टेम्प्रेरी पेस मेकर पर रख रखा है उनको, कल ऑपरेशन होके पेस मेकर अंदर डलेगा। लेकिन पुलिस वाले को समझा दिया, इस बंदे को फिर दूसरे के थ्रू समझा दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे फ्री होने दो, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। आज सुबह से निकला हुआ हूँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल घर हॉस्पिटल घर यही कर रहा हूँ, और उस बीच में पुलिस वालों का भी इतना फ़ोन आ रहा है कि तुम आओगे कि नहीं आओगे। फाइनली मैंने उसे यही बोल दिया, मैंने उसे बोला, उसे मतलब किसी के थ्रू बुलवाया कि चल 10-12 हज़ार रुपये ले ले, तू अपना काम करवा ले। मैंने भी हुंडई में पता किया और भी चीज़ें पता कर ली, 10-12 हज़ार रुपये से कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, इंश्योरेंस करवाओ तो वो भी कम में ही हो जाएगा। तो उसे टेफ्लॉन कोटिंग भी करवानी है, सब कुछ करवानी है। एनी हाउ मैंने उससे बोला है, बुलवाया कि भाई 10-12 हज़ार रुपये कैश लेके मेरा भी पीछा छोड़, सरदर्द ख़त्म कर इसे। लेकिन वो बंदा ऐसा मानने को तैयार नहीं है, बिल्डिंग के ग्रुप में मैसेज करता है कि तुमने बोला था कि जो खर्चा लगेगा दे दूंगा, 41,000 का मेरा खर्चा लग रहा है तुम दो, जबकि उससे पता है मेरे फादर इन लॉ अभी एडमिट हैं। पुलिस वाले को बता चुका हूँ, लेकिन पुलिस वाले का फिर भी 5 बार फ़ोन आ चुका है। लास्टली अभी फाइनल शाम में पूछ रहा था मुझसे कि तुम आओगे नहीं आओगे कि आगे की कार्रवाई करूँ। वैसे तो मैं अभी उस सब चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता, फिर भी मैंने उसे बोला ठीक है कल ऑपरेशन होने दो, आप ऑपरेशन के बाद कल शाम में आओ, सुबह ऑपरेशन है तो शाम में मैं आपके पास आऊँगा, बैठ के बात करूँगा। कोई गलती थोड़ी की है भाई, मिस्टेक लग गया है। ऐसा तो है नहीं कि लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, सब चीज़ें हैं मेरे पास। फिर भी चलो ठीक है, बंदे का लॉस हुआ, जो भी हुआ लग जाएगा, पॉकेट से पैसा ना लगे, मैं देने को तैयार था। लेकिन वो बंदा मानने को राजी नहीं है, लड़ने को तैयार है लेकिन मानने को राजी नहीं है। आप ही लोग बताओ मैं इस बंदे के साथ क्या करूँ, ऐसे बंदों के साथ। टीचर से भी खराब है वो, ऐसा बंदा है, क्या बोलूँ भाई, इतना परेशान कर रखा है ना। मैं सुबह से हॉस्पिटल हॉस्पिटल खेल रहा हूँ और उसमें बीच में पुलिस वाले को कितने, आईसीयू में जा रहा हूँ देखने के लिए, उस समय फ़ोन आ रहा है पीछे से लगातार पुलिस वालों का। तो चलो एक बार मैंने उठा लिया बाहर, जब था, जब अंदर था तो वाइफ ने उठा लिया, वाइफ ने भी बता दिया कि मेरे पापा को कुछ हुआ तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं है, पुलिस वाले को, पुलिस वाला बोल रहा है ऐसा, पुलिस वाला मुझसे बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया है, मैंने कोई अपराध कर दिया है। वो मुझे बार बार फ़ोन किया जा रहा, मतलब थोड़ी भी बंदे में समझ नहीं है कि 2 दिन बाद गाड़ी ठीक हो जाएगा, पहले जो बंदा हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाए ना। फ़ोन पे फ़ोन करवा रहा है, डायरेक्ट तो मुझे फ़ोन कर सकता नहीं है, तो क्या ही बोले दोस्तों। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी लाइफ में, इतना परेशान कर देते हैं ना। नॉर्मल कंडीशन रहता तो उसको अच्छे से मैं हैंडल करता, लेकिन मैं खुद बिजी हूँ। मुझे आज जिम कॉर्बेट के लिए ट्रिप पे जाना था, वो मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे 3 सवर सारा चीज़ बुकिंग करा हुआ था, सब कैंसिल कर दिया मैंने, रूम बुक था, जंगल सफारी बुक था, सारा चीज़ बुक था, मैंने उसे कैंसिल करके मैं यहाँ पे बिजी हूँ। पहले वो चीज़ तो हो जाएंगे बाद में भी, लेकिन ये ज़रूरी था तो इसलिए मैं रुका रहा। लेकिन क्या ही बोलूँ, इस बंदे ने ऐसे परेशान कर रखा है ना,
किस तरह से संभालू, मुझे तो कभी कभी गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ। सब बोल रहा है कि हाइपर मत हो, आराम से कंट्रोल करके कर। चलो ठीक है, आराम से ही कर लेंगे। यही था अपडेट मेरे इस छोटे से पंगे के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ टाइम मिल नहीं रहा है ब्लॉग बनाने का, कहीं जा नहीं रहा हूँ, बस घर से हॉस्पिटल कर रहा हूँ और मुझे उचित नहीं लगता कि हॉस्पिटल का मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप बताना क्या किया जाए ऐसे ऐसे बंदों के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।